बुनियाद केंद्र उद्देश्य से भटका, वृद्ध जन व दिव्यांग हो रहे सुविधा से वंचित। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय प्रखंड मुख्यालय तेघड़ा के परिसर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बना अनुमंडलीय बुनियाद केंद्र अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया है। बुनियाद केंद्र पर 60 से अधिक उम्र के वृद्धों और महिलाओं तथा दिव्यांग जनों का फिजियोथेरेपी, बोलने में असमर्थ बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, नेत्र जांच, इलाज, मानसिक रूप से परेशान लोगों की काउंसलिंग, नियमित रूप से समुचित ट्रीटमेंट समेत अन्य सुविधा निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है। लेकिन अनुमंडल क्षेत्र के इन लक्षित लाभुकों को समुचित सुविधा नहीं मिल रहा है, इन सुविधाओं से लगातार वंचित हो रहे हैं। इसके लिए दिव्यांगों को निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां उनका जमकर दोहन और शोषण होता है। लोगों की माने तो पहले जरूरत के मुताबिक केंद्र में फिजियोथेरेपी की जाती थी, लेकिन करीब 6 महीने से केवल एक दिन यहां ट्रीटमेंट तो नहीं मात्र परामर्श दिया जाता है, जिसकी वजह से दिव्यांगों को फिजियोथेरेपी के लिए निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के इस समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रखंड मुख्यालय में स्थापित बुनियाद केंद्र की बुनियाद खुद खोखली साबित हो रहा है। इस पर न तो सरकार का ध्यान है और न ही स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का। विदित हो कि वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, निःशक्त लोगों को बेहतर व सहज चिकित्सा के साथ कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित बुनियाद केंद्र में मात्र एक कर्मी वाक्य श्रवण संयुक्त कुमारी कार्यरत है। बाकी केंद्र प्रबंधक, अकाउंटेंट, काउंसलर, टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, कृत्रिम अंग निर्माता आदि कर्मियों के अभाव में लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण अब जरूरतमंद यहां आने से परहेज करने लगे हैं। यहां तकनीशियन सहित एक दर्जन कर्मियों का पद सृजित है, लेकिन सभी विभागीय पद खाली पड़े हैं। इस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बुनियाद केंद्र में तैनात कर्मी ने बताया कि प्रबंधक सहित मनोचिकित्सक के पद रिक्त है। मटिहानी बुनियाद केंद्र से सोमवार को नेत्र परीक्षक वेद प्रकाश मिश्र, मंगलवार को कृत्रिम अंग निर्माता रविंद्र कुमार एवं फिजियोथेरेपी अंजेश कुमार को यहां प्रतिनियुक्ति किया गया है, जो सप्ताह में एक एक दिन यहां आते हैं। फलस्वरूप केंद्र संचालन की खानापूरी ही हो रही है। बुनियाद केंद्र स्थापना का उद्देश्य वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन देना, वाक व श्रवण संबंधी जांच व समाधान, फिजियोथेरेपी सेवाएं एवं सहायक उपकरण के लिए मार्गदर्शन एवं बीपीएल धारी को मुफ्त में श्रवण यंत्र का वितरण करना है। लेकिन अधिकांश पद रिक्त रहने के कारण लोगों को इन सब का लाभ नहीं मिल रहा है। इनेलसी प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्रा एवं रामेश्वर सिंह स्मारक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कार्यालय के कार्यालय सचिव रविंद्र कुमार ने बताया कि निम्न स्तर पर जीवन यापन करने वाले विधवा, दिव्यांग, असहाय एवं वृद्धजनों के हित के लिए चलाए गए ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ड्रीम प्रोजेक्ट मात्र फाइलों में सिमट कर अपने लक्ष्य से भटक चुका है। उन्होंने जिलाधिकारी बेगूसराय से सभी सृजित रिक्त पदों पर केंद्र प्रबंधक सहित कर्मियों को बहाल करने का अनुरोध किया है। तेघड़ा अनुमंडल परिसर में जो बुनियादी केंद्र खोला गया है, इसमें सारी सुविधा रहते हुए चिकित्सक पदाधिकारी जो डिप्टेशन में बहाल हैं, इस जगह हम सरकार के द्वारा मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ पूर्ण रूपेण से प्रभार दिया जाए और वृद्धजन का को फायदा मिलेगा। हम एमएलसी प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्र उर्फ गोरेला होगा। हमारे तेघड़ा अनुमंडल में इतना बड़ा बुनियादी केंद्र सरकार के द्वारा खोला गया, जिस बुनियादी केंद्र में वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग और बच्चे को इलाज के लिए खोला गया, महंगी महंगी मशीन लगाई गई और उसके बाद यहाँ पर डिप्टेशन के द्वारा दूसरे से कार भार लेके सप्ताह में 1 से 2 दिन चलाया जाता है। यहाँ न चिकित्सक है, न कर्मी, 1-2 कर्मी भी हैं, कभी यहाँ ड्यूटी पड़ता है, कभी दूसरे जगह पड़ता है। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं,
स्थायी तौर पर चिकित्सक का यहाँ नियुक्ति करवावे और सही ढंग से बुनियादी केंद्र का फायदा दिव्यांगजन, वृद्धजन, विधवा इस सबको लाभ मिले। मैं रविंदर कुमार, कार्यालय सचिव, रामेश्वर सिंह स्मारक भवन, भाकपा अंचल कार्यालय, तेघरा।